सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस यार, आज हम लोग वापस से खेलने वाले एपेक्स लेजेंड मोबाइल। एंड गाइस, अगर आप रैंक मैच खेलते हो एंड अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो गाइस यार, मैं आपको थोड़ी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि यार मैं करता हूँ एंड आप मत करना अगर आप रैंक मैच खेलते हो या तो रैंक पुश कर रहे हो ठीक है एपेक्स लेजेंड के अंदर। तो गाइस यार, आज का जो गेम प्ले होने वाला है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो यार, मेक श्योर टू वॉच द फुल वीडियो एंड अगर चैनल भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार ऐसे अमेजिंग वीडियोज आपके भाई के चैनल पे आती रहते हैं। तो चलिए यार, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहां पे एक बंदे लिया है कॉस्टिक, एक ने लिया ब्लड हाउंड एंड मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो मैं लेने वाला हूं गिब्राल्टार। तो यार, जो टीम है काफी अच्छी है ठीक है। एंड मैं आपको बताऊं, अगर आप यार अकेले खेलते हो तो अब तो आप भाई मतलब एक ऐसा प्लेयर लो ना जो कि यार ऑलराउंडर हो। जैसे यार मुझे लगता है कि भाई गिब्राल्टार है ऑलराउंडर प्लेयर है ठीक है। आपको पता नहीं है अगर गिब्राल्टार के बारे में तो गाइस, इसके पास एक डोम शील्ड होती है जिन्हें आउट करके भाई 1v3 में भी फाइट ले सकता है ठीक है। जो इसकी अल्टीमेट है भाई बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। मतलब भाई अकेले ना पूरी एक स्क्वाड को खत्म कर सकते हैं इसके एक अल्टीमेट ठीक है। तो यार मुझे मतलब ऐसे लेजेंड लो ना जो कि यार ऑलराउंडर हो ठीक है। एंड आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं ठीक है। एंड यहाँ पे तो हम फिलहाल चलने वाले हैं, कहाँ चलते हैं देखते हैं यार। ओके, तो गाइस अभी हम फैक्ट्री जाने वाले हैं एंड आपका आज का जो मौसम है काफी अच्छा। एंड भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, उतरते ही आपको सबसे पहले गन ढूंढनी है, चाहे वो पिस्टल हो चाहे एआर हो। भाई आपको गन लेनी होगी तभी आप फाइट लेना ठीक है, वरना भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से अचानक से बंदे आ जाते हैं ठीक है। तो अगर आप मतलब बिना गन वंस के रहोगे तो आप भाई नॉक हो ही जाओगे ठीक है। एंड अगर फिनिशर लग गया तो भाई कुछ बात ही नहीं है ठीक है। तो यार सबसे पहले यार हम यहाँ पे गन ढूंढते हैं बिकॉज मैं अभी फाइट नहीं लेने वाला ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा रिंग भी अच्छा, तो मिले ब्लड हाउंड ने अभी अपनी एबिलिटीज यूज़ करी क्योंकि तो आसपास कोई नहीं है। तो सबसे पहले यार हम गन ढूंढते हैं एंड रिंग भी क्लोज होने वाला है पहला। ओके, एंड यहाँ पे गन्स ढूंढते हैं। ओके, तो यार आप यार कमेंट सेक्शन में बताना आपकी फेवरेट गन कौन सी है। वैसे यार मैं तो ये यूज़ करता हूँ लाइट एमो यार। ओके, तो गाइस आसपास शायद बंदा है, अभी फायरिंग हो रही थी। ओके, तो गाइस ये तेरी है, ऐसी के तैसी निकल निकल निकल। एंड गाइस यार सबसे मेन बात अगर मैं आपको बताऊं फाइट लेते वक्त, तो गाइस मूवमेंट ना आप अपनी बहुत ज़्यादा रखना ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा जिगल जिगल आपको करनी है ठीक है फाइट लेते वक्त, ताकि यार बंदे की जो मतलब वो ना कनेक्ट ना हो आपके एंड आपके ज़्यादातर कनेक्ट हो, क्योंकि यार इसमें असिस्ट ना बहुत ईजिली लग जाता है ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल्स भी आप देख लेना, आप चाहे 3 फिंगर हो, 4 फिंगर हो या 2 फिंगर। एंड भाई इसके सामने एक और बंदा। ओके, तो ये भी गिब्राल्टार है, तेरी ऐसी की तैसी। भाई इसको यार मैं हाथों से मारने की कोशिश करूँगा। ओके भाई, भाई ये तो यार मुझे मार ही रहा है। ओके, तो सबसे पहले गन लोड करते, तेरी ऐसी की तैसी। भाई कहाँ कहाँ भग रहा है। ओके, तो भाई यहाँ पे तुमने देखा, अगर मेरे पास गन नहीं होती मतलब पिस्टल नहीं होती तो गाइस यहाँ पे मैं नॉक हो जाता ठीक है। तो इसलिए हमेशा आपको यार गन के साथ रश करना है ठीक है। चाहे पिस्टल हो, आप पिस्टल के साथ भी कर सकते हो बट अकेले मत करना पिस्टल के साथ, अगर स्क्वाड आ गई तो दिक्कत आ सकती है ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे पहले अपनी शील्ड रिचार्ज कर लेता हूँ। एंड गाइस सबसे पहले यार आपको ना किसी भी फाइट लेने से पहले आपको अपनी शील्ड पूरी रिचार्ज करके रखनी है, इनकेस अगर आप नॉक होते हो तो एटलीस्ट आपकी जो शील्ड होगी वो काम आएगी ठीक है। तो हमेशा अपनी शील्ड को आप चार्ज करके रखना ठीक है फाइट एंड होने के बाद। एंड यहाँ पे हम और भी चीज़ें देखते हैं, यहाँ कुछ खास तो नहीं यार। यहाँ पे ना अच्छी लूट यार आजकल मिल ले रही, पता नहीं क्यों। एंड ओके, यहाँ भी कुछ खास नहीं है, मेरे टीममेट्स शायद कहीं फाइट ले रहे थे बट सबसे पहले अपना शील्ड चार्ज कर लेते हैं। तो चलो यार अपने टीममेट्स के पास चलते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे कौन सी भसड़ मच रही है। तो गाइस यार जैसे ही मैं आगे की तरफ आया, यहाँ पे एक स्क्वाड यार मेरे ऊपर आ गई थी, मतलब भाई रश कर रहे थे तुम्हारे भाई के ऊपर। एंड यहाँ पे यार ओके, तेरी ऐसी की तैसी और तेरी ऐसी की तैसी भाई। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो जो यार मेरा व्यू है ना काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर वो मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं क्राउच करके यार ईजिली मैं कवर ले सकता हूँ ठीक है। एंड यहाँ पे इसको फिनिशर देते हैं बट यार एक मिनट देखते हैं, इसका कोई बंदा तो नहीं आसपास यार। मुझे और भी बंदे यार सुनाई तो दे रहे हैं मुझे फुटस्टेप बट यार बंदे दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ से गोलियाँ चल रही हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपने देखा उसकी शील्ड रिचार्ज नहीं थी, उसने ऑन भी नहीं करी थी इसलिए वो नॉक हो गया ठीक है। तो आप ये गलती मत करना, हमेशा जो शील्ड होगी उसे रिचार्ज करके रखना एंड हमेशा कवर के अंदर फाइट लेना, क्योंकि यार पता नहीं उसकी टीम कहाँ से आ जाए आपके, कहाँ से रश कर दे ठीक है। एंड गाइस जैसे ही मैं आगे की तरफ आता हूँ यहाँ पे मुझे और भी स्क्वाड दिखती है बट यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ उनकी लोकेशन देखने के लिए, पता नहीं यार कहाँ से पड़ रही होगी। तेरी ऐसी गलती भाई, ऊपर की तरफ यार एक बंदा ये रहा भाई सामने कहाँ। भाई ये गलती यार बिल्कुल मत करना, मतलब भाई एनिमी के सामने आप शील्ड रिचार्ज कर रहे हो ठीक है भाई, ये बहुत ही लोग करते हैं, ये मैंने बहुत लोगों को देखा है। एंड भाई तुम देख सकते हो भाई उसने भी यही गलती करी, इसने भी यही गलती करी, भाई इस चक्कर में भाई दोनों की पेटी बन चुकी है ठीक है। तो आप ये गलती मत करना ठीक है, मैंने बहुत बार बोल दिया इसके बारे में बट कोई नहीं। ओके, एंड यहाँ पे मैं फिनिक्स किट लगा लेता हूँ। ओके,
ओके तो गाइस यहाँ पे चलो लूट देख लेते हैं। एंड गाइस जैसे मैं आगे की तरफ आता हूँ यार, यहाँ पे और भी बंदे लिखते हैं। एंड गाइस ये जो बंदा है ना यार, ये मतलब थोड़ा सा अच्छा खेल रहा था, बट यार यहाँ पे देखो तुम्हारे भाई ने इसे कैसे मारा भाई, देख रहे हो। मतलब भाई यार फुल बॉट्स पनती यार, मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं इसके ऊपर, भाई क्या ही बोलूँ यार। कपड़े इतने अच्छे थे बंदे पे, पर भाई बंदे को मैंने हाथों से नॉक कर दिया, ठीक है, क्योंकि फिर ये बंदा मुझे अकेला देखा। अगर स्क्वाड होती तो भाई मैं अपनी गन्स यूज़ करता, बट यार मुझे अकेला देखा तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लेते हैं एक बार, रिस्क लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइस जैसे यार मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, यार पीछे की तरफ यार फायरिंग होनी चालू हो जाती है। एंड मुझे लगता है कि यार यहाँ पे और भी बंदे हैं। जैसे मैं आता हूँ यार यहाँ पे मुझे एक पूरी स्क्वाड दिख जाती है। एंड गाइस यहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ, तो यार यहाँ पे ना मुझे यार मतलब थोड़ा कवर लेके खेलना पड़ता है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े शॉट्स देके हमेशा कवर में जा रहा हूँ। एंड इसको ट्राई करता हूँ मैं पूरी मारने की, बिकॉज इसके बंदे भी आसपास। ओके ओके एंड पता नहीं ये कहाँ पे छुपा हुआ है। एंड गाइस तुम देख सकते हो पीछे की तरफ और भी बंदे हैं भाई। ओके कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सबसे पहले लोकेशन देखूंगा ट्राई करने की। ओके भाई इसका यार मिराज कहाँ चला गया, अभी तो मैंने नॉक करा था इसे। ओके तो गाइस सबसे पहले इसे फिनिशर देता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि भाई ये बंदा बाद में रिवाइव हो जाए, ठीक है। ओके तो गाइस यहाँ पे हमारे टोटल 7 किल्स हो चुके हैं, एंड स्टिल हमें और चाहिए, ठीक है। एंड भाई सामने की तरफ यार गिवर था ले रहा भाई। ओके ओके कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है भाई, फाइट तो ले भाई। यार पीछे मैं खड़ा हूँ, तू उधर क्या कर रहा है भाई। एंड भाई सामने की तरफ एक और बंदा रहा। ओके एंड यहाँ पे चलो घूम कर जाते हैं रोटेट करके। ओके भाई सामने की तरफ ये रहा, और तेरी ऐसी फिर निकल निकल निकल। एंड भाई यहाँ पे तुम देख रहे हो भाई मूवमेंट दोनों की काफ़ी अच्छी है, बट यार यहाँ पे ना ये बंदा भाई मतलब गन रख के मेरे ऊपर रश करने लग गया। तो गाइस आप ये गलती मत करना कभी भी ना, आप गन रख के मतलब रश मत कर लेना, कि आप सोचो यार बाद में हम गन निकाल लें, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो उसका नतीजा, तो हमेशा गन के साथ आप रश करना, ठीक है। बंदा कहीं से भी निकले तो आप तुरंत फायर चालू कर दो, ठीक है, प्री फायर आप चालू कर दो, ठीक है। चलिए यार फिलहाल हम जोन के अंदर चलते हैं। यार जैसे मैं जोन के अंदर आता हूँ, यहाँ पे पता नहीं भाई मेरे ऊपर कहाँ से गोलियाँ चल रही होती हैं। मैं भाई सारी जगह चेक करता हूँ, बट यार मैं ऊपर देखना भूल जाता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है यार ऊपर कोई जगह होगी नहीं। बट अभी आप देखना यार, मैं भाई पूरी जगह छान लेता हूँ, बट यार मैं ना ऊपर देखना भूल जाता हूँ। बट मैं ऊपर भी देखता हूँ, मुझे बंदे नहीं दिखते, बट यार यहाँ पे तुम देखना मेरे ऊपर कहाँ से गोलियाँ चलेंगी, ठीक है। एंड अभी देखो मैं आगे की तरफ जाता हूँ, एंड मेरी जो टीम होती है वो भी फाइट ले रही होती है बहुत दूर, बट यार यहाँ पे मैं अकेला होता हूँ। एंड जैसे आप देख सकते हो, मुझे लगता है यार कोई नहीं, हम कवर में जाके इस बंदे को ढूंढ लेंगे। बट यार यहाँ पे तुम देख सकते हो बंदे का हेड पड़ गया मेरे ऊपर। एंड तुम देख सकते हो भाई मुझे बंदा दिखा भी नहीं। एंड गाइस यहाँ पे मैं नॉक हो गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सोचता हूँ अपने टीममेट को बुलाऊं, बट यार आप देख सकते हो कितनी दूर है। तो भाई यहाँ पे ना मुझे लगता है भाई मतलब यहाँ पे तो मेरा रेस्ट इन पीस होने वाला है, ठीक है। बट अभी आप देखना मुझे स्टिल अभी बंदे नहीं दिखते, बट यार एंड की तरफ यार मुझे जब मतलब पॉइंटर शो होता है ना रेड वाला, यार फिर मुझे दिखता है भाई ये तो ऊपर से पड़ रही है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको यार ऐसे मतलब कभी हो ना, अगर आपको बंदे नीचे की तरफ ना दिखे, तो हमेशा ना एक बार ऊपर की तरफ चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। एंड यहाँ पे भाई मैं इसी की वजह से यार नॉक हो जाता हूँ। एंड यहाँ पे आप देखो मैं पूरी ट्राई करता हूँ भाई यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर जाने की, बट यार मुझे सब में मतलब ट्राई करते हैं किल करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं फाइनली नॉक हो जाऊँगा। ओके चलो भाई गुड बाय, टाटा टाटा। ओके एंड गाइस यहाँ पे तुम्हारा भाई नॉक हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ भाई अपने टीममेट्स को बुलाने के लिए, बट यार वो आते ही नहीं भाई, एंड में आते हैं। बट अब उनका गेम प्ले देखना भाई वो कौन सी गलती करते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो टीममेट तो मेरे आ चुके हैं, बट यार एक बंदे का गेम लैग होने लगता है। और जो भाई दूसरा बंदा है ना, आप इसका गेम प्ले देखना भाई, ब्लड हाउंड का गेम प्ले अलग ही है भाई, इसको फाइट लेनी चाहिए। बट यार ये बंदा देखो कहाँ भग के जा रहा है ओपन में, एंड डैमेज भी ले रहा है एंड भग भी रहा है। तो भाई मतलब फ़ायदा क्या, आप कवर में रह के आप फाइट लो ऐसे, ठीक है, ऐसे टाइम पर अपनी एबिलिटीज यूज़ करा करो। एंड गाइस यहाँ पे शायद ओके, तो गाइस आप देख सकते हो ओपोनेंट वाले गिब्राल्टर ने अपनी एबिलिटीज यूज़ कर ली है, ठीक है। एंड यहाँ पे इनका GGWP होने वाला है, तो मुझे लगता है भाई आज का गेम प्ले तो यहीं पे एंड होने वाला है। तो चलो यार आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।